आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं मुर्गी गोश्त के शामी कबाब। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ये लिया है आधा किलो गोश्त मुर्गी का बग़ैर हड्डी का। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं, ये हमने 100 ग्राम चने की दाल जो उसमें हम शामिल कर देते हैं। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं मिर्च, साबुत मिर्च। ये साबुत मिर्च जो है ना 10 से 12 आप शामिल कर सकते हैं। और ये अदरक लहसुन, अब हम इसको चूल्हे के ऊपर पकने के लिए रख देते हैं। अब हमें इसमें शामिल करना है हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। अब हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अब ये हमारा इसमें वक्त है जी मसाले शामिल करने का। मसालों के लिए हम लेंगे ये 4 अदद, ये 6 अदद हमने लौंग लिया, ये 5 अदद बड़ी इलायची और ये हमने लिए 5 से 6 दालचीनी और हम इसको पीस लेंगे। हम इसमें शामिल कर देंगे ये हमने 1 चम्मच कुटा हुआ जीरा, एक चम्मच पिसा हुआ काली मिर्च, और अब शामिल कर देंगे हम इसमें 1 चम्मच नमक। अब हम इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे।
अब इसको पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं, अब इसको हम चूल्हे से उतार लेंगे। अब हम इसकी मेरे को पीस लेंगे। बिस्मिल्लाह, हमारा कीमा तैयार है। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल शामिल करेंगे, कुटी हुई कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ हरा धनिया, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इस कीमे के जो है कबाब बना लेंगे। फ्राई करने का बिस्मिल्लाह, यह हमारे शामी को आप तैयार है। अब आप इनको घर पे बनाएं, खाएं, आपको इंशाल्लाह बहुत लजीज लगेंगे। आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब माय चैनल। शुक्रिया।